मनपा के सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से शहर के नाग नदी से अब तक 1250 क्यूबिक मीटर कचरा निकालकर साफ सफाई की जा रही है। बारिश के पहले की जा रही इस साफ सफाई से शहर स्वच्छता में नाग नदी काफी हद तक स्वच्छ दिखाई दे रही है। बारिश का मौसम, जब बारिश बरसती है तो इस कदर कहर बरपाती है कि किसी के झुग्गी झोपड़ी हो या फिर अच्छे मकानों के आगे की सड़कें, जहां पानी की बड़ी मात्रा जमा होती है, पानी निकासी बराबर नहीं होने से कई बार पानी लोगों के घरों में घुसता रहता है। कई लोग अपने पलंग पर बैठे दिखाई देते हैं तो वहीं पानी पलंग के नीचे आ जाता है। कई बार परिसर में पानी जमा होने की मुख्य वजह परिसर की मनपा कर्मियों द्वारा साफ सफाई सही तरीके से नहीं करना ये भी एक है। कुछ लोग भी कूड़ा कचरा नदी नालों में फेंकते रहते हैं, जिससे नदी भी नाले जैसा छोटा रूप धारण कर रही है। छोटा रूप धारण करने वाली नाग नदी भी दिखाई दे रही है। इसी वजह से कई नदियां ओवरफ्लो होकर शहर के परिसर में घुसकर तांडव करते हैं। शहर में लॉकडाउन के चलते ज्यादा भीड़भाड़ सड़कों पर नहीं है, इसी के चलते मनपा प्रशासन द्वारा शहर की सबसे पुरानी नाग नदी पिछले कई दिनों से अपनी हुई बदहाली पर आंसू बहा रही है। गंदगी और कीचड़ से मानो नाग नदी हर पल तिल तिल मर रही थी। इस बात की ओर इनविजन न्यूज चैनल द्वारा कई बार न्यूज बताकर मनपा प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचा था, जिसके चलते मनपा के सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से डोजर पंजा की सहायता से अब तक 1250 क्यूबिक मीटर का कचरा निकाला है, जिससे नाग नदी का जो नाला हुआ था वो अब फिर से एक बार अपनी पुरानी रौनक में नाग नदी दिखाई दे रही है। नागपुर के मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा एक अच्छी पहल शहरवासियों के लिए की जा रही है। शहर के नागरिक भी अच्छा सहयोग करें। दर्शकों, इस समय में इनविजन की टीम है नाग नदी की पुलिया पर। हम आपको बता दें कि ये वही पुलिया है, हमारे मेरे भाई और आप देख सकते हैं कि ये वही नदी है जिसे नाग नदी से के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये जो नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई नजर आ रही है। इस नदी अभी ये नदी दिखाई दे रही है, वरना ये कुछ एक महीना पहले में ये नाला दिखाई देता था। इसका जो स्वरूप था वो काफ़ी छोटा सा था, लेकिन जब से नागपुर महानगर पालिका के बनकाम के विभाग की ओर से जब से ये कामकाज किया जा रहा है, तब से हम आपको बता दें कि 1500 क्यूबिक मीटर कचरा प्रतिदिन यहाँ से निकाला गया है। आप हमारे पीछे में देख सकते कि किस तरह से वहाँ वो पंजा उठा के लेके जा रहा है और उसमें लोड भी कर रहा है उस यहाँ पे। ये जो कूड़ा कचरा जो निकला हुआ है, जो मिट्टी है, रेती है, ये 1500 क्यूबिक मीटर के आसपास है। ये सभी जो नाग नदी की सफाई करते समय में ये जो कचरा निकला हुआ है, इसे नागपुर के भांडेवाड़ी में इसको डालने के लिए पूरी तरह से गाड़ियां तैयार है और नागपुर के भांडेवाड़ी में ये पूरा कचरा वहाँ पे जमा होने वाला है। नागपुर के नाग नदी से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे, इनविजन न्यूज़ नागपुर।